इतने ही आते हैं, सारे आते हैं? सर इतने ही इतने आते हैं सब में। बाकी 10 लोग गायब हैं? सर गुप्ता सर की क्लास में तो 9 या 11 ही बच्चे आते हैं सर। क्या कह रहे हो? और साइंस में? सर मैथ्स में भी ऐसे ही आते हैं। सर मैथ्स में भी ऐसे ही होते हैं। केवल पीई में आते सारे हंसी मजाक करने के लिए, मुझसे परेशान करने के लिए? नो सर। नहीं लेकिन बेटा अभी जरूरी है, सबको सिंसियर रहना है, अपने अपने टाइम पे सबको सिंसियरिटी के साथ काम करना है, ठीक है? चलो पूर्वी, वन स्टैंजा, यस सर। क्लोज योर आईज एवरीबॉडी, नॉट कैमरा, आईज, जॉइन योर हैंड्स, यस स्टार्ट। तेरे वंदन से करते हैं दिन की शुरुआत, सत्यम वद धर्मम चर जीवन आधार। तेरे वंदन से करते हैं दिन की शुरुआत, सत्यम वद धर्मम चर जीवन आधार। हे मालिक Thank you. All right. So, who is going to present today first? Number one. Say I. Hi. Okay. Hi. Okay, Varsha. So, over to Varsha. Now, present your screen. Very good. Very good. Concept of inclusion. This all I have already taught in the past classes. But as we have given the assignment to them, they were not present in the class. Today they are here and they want to present it. Welcome. Yes. Go on. इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे बेटा, पीपीटी को बड़ा कर लो। बड़ा मीन्स स्क्रीन फुल कर लो। ये यहां नीचे कमल का फूल बना हुआ है, उसको दबा देंगे तो पूरा हो जाएगा बड़ा। राइट साइड में, बॉटम में, कहा घुस गया बेटा मेरा? इधर नीचे राइट साइड में बॉटम देखो अपना, डेस्कटॉप पे नीचे राइट साइड में, बिल्कुल नीचे। चल परेशान मत हो, स्टार्ट। We are having the 3-4 people, huh? Please start. देख तेरा माइक म्यूट तो नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ तेरे को बाहर जाना पड़ेगा, माइक ऑन करना पड़ेगा पहले।
हाँ अपना माइक ऑन करो। वर्षा कहाँ गई वर्षा? हाँ माइक म्यूट करो बेटा। अरे वर्षा बाहर ही हो गई, चलो आ जाएगी अभी। कोई बात नहीं, आ जाएगी अभी, आ जाएगी। वी विल जस्ट वेट फॉर वन मिनट। सर मैं कर दूंगा सब तक फिर। सर नहीं, एक मिनट एक मिनट, आने दो से बेटा। क्या मुझे कब करना है? सर बोल रही है? मुझे प्रेजेंट कब करना है, प्रेजेंटेशन? सर अभी बताएंगे बहन, अभी बताएंगे, डोंट वरी। वो एक्चुअली सिस्टम नहीं रहता मेरे पास इसलिए। अभी बस इसके इसके बाद में ओके वर्षा, थैंक यू। वर्षा वास्त्री क्या गायब हो गई? फिर ज्वाइन किया था ना इसने? ऐसा किया था। गायब हो सर गया। हाँ हाँ वर्षा, कोई बात मतलब नहीं। माइक को अनम्यूट कर दो, माइक को अनम्यूट कर दो, माइक खोलो पहले। हाँ अब अपना प्रेजेंटेशन शुरू करो, माइक को कुछ मत करना। यस सर। चलो शाबाश, स्टार्ट। प्रेजेंट योर स्क्रीन। हाँ वेरी गुड, हाँ ओम श्री साईराम। वेरी गुड। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन मीन्स एवरी पर्सन हैज द पॉसिबिलिटी टू पार्टिसिपेट फुल्ली एंड इक्वली इन ऑल सोशल प्रोसेस। इंक्लूजन कैन बी डिफाइंड एज द एक्ट और स्टेट ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ समथिंग लार्जर। इंक्लूजन इन एजुकेशन इज एन अप्रोच टू एजुकेटिंग विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। कैन बी एलोबरेट दिस, कैन बी एलोबरेट दिस यस सर। या प्लीज, द चैप्टर नेम इज फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज फॉर CWSN, राइट? तो कैन बी, यस कैन सर। बी गिव सम एग्जाम्पल्स ऑन दिस स्लाइड यस सर। या प्लीज बाय। सर माय नेक्स्ट स्लाइड इट इज स्कूल्स ओके ओके राइट फाइन। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज द इंक्लूजन मॉडल फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स विद अ माइल्ड टू मॉडरेट स्पेशल नीड्स। इंक्लूसिव एजुकेशन डिफर्स फ्रॉम इंटीग्रेशन मॉडल ऑफ एजुकेटिंग नीड्स लर्नर चेंजिंग और बिकमिंग रेडी फॉर। Inclusion is about the child's right to participate and the school's duty to accept the child. The most frequently example of inclusion is the school that sir, my slide is over. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ, बाहर हो गई क्या फिर? नो सर। ओके ओके राइट। योर प्रेजेंटेशन इज ओवर वर्षा, यस हेलो। सर। सॉरी सर। प्रेजेंटेशन इज यस ओवर। सर। ऑल राइट ऑल राइट। सो व्हाट द स्लाइड्स दैट वर्षा हैज शोस, द मीनिंग इज दैट इंक्लूजन, इंक्लूजन ऑफ व्हाट? इंक्लूजन ऑफ एवरीवन, आइदर इट इज नॉर्मल और द पर्सन हैविंग सम चैलेंजेस। Everyone is having the equal right and equal right, and they have to be provided equal opportunity in all the circumstances. So school is the place where we can give each and every opportunity to all the children, either the child is normal child or the child is a special child, right? So that was the basic conclusion of this presentation, right? Next question इसको दे देते वेदांशी को, ठीक है वेदांशी? चलो आप प्रेजेंट यस करो, सर। जिससे आपका सिस्टम फ्री हो जाएगा फिर। चलो यस। प्रेजेंट योर स्क्रीन, थोड़ा टाइम लगेगा सर। राइट साइड में जाओ, नीचे देखो, प्रेजेंट नाउ लिखा हुआ एरो,
इंटायर स्क्रीन दबाओ सब ऑन में हाँ हाँ मैं आपके साथ हूँ अरे वेदांशि बेटा मैं मदद कर रहा हूं ना आपकी क्यों परेशान हो रहे हो वेदांशी चलो भौमिक यू स्टार्ट यस सर वेदांशी को देखते हैं बाद में आएगी वो बाहर ही हो गई वेदांशी चलो भौमिक योर टर्न यस सर 2 मिनट कहाँ 2 मिनट लगते हैं यार प्रेजेंट नाउ में जाएंगे वहां पे विंडो खुलेगी उसके अंदर एक छोटी विंडो खुलेगी उस पर क्लिक करेंगे शेयर हाईलाइट होगा शेयर हाईलाइट होगा शेयर पे क्लिक कर देना है दैट्स ऑल शाबाश एनी प्रॉब्लम भौमिक सी राइट साइड प्रेजेंट नाउ कैन यू सी दैट सर हो गई यहाँ पे तो बता रहे थे वेरी नाइस हो गया कंप्लीट वेरी नाइस इट इज कमिंग अप एक्सीलेंट वी कैन सी इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूजन यस ओम श्री जयराम माय टॉपिक टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूजन व्हाई इज इंक्लूजन इंपॉर्टेंट व्हेन वी इंक्लूड ऑल चिल्ड्रन इन आवर प्रोग्राम दे लर्न एक्सेप्टेंस ऑफ अदर पीपल एंड ईच पर्सन हैज यूनिक एबिलिटी दे वर्क टुगेदर दे लर्न फ्रॉम ईच अदर दे हेल्प ईच अदर एस्टैब्लिश पार्टनरशिप विद अदर दिस ऑल्सो हेल्प चिल्ड्रन टू डेवलप their potential very nice now can you explain what is the meaning of potential sir matlab unki sir abilities wagera matlab unke unme kitna potential hai matlab wo bhi develop karta hai absolutely talent their courage their thinking this all get is all potential how much potential they are having that all develops very nice अगर वो ग्रुप में काम करना है या कोई एक्टिविटी करते हैं तो उन एक दूसरे से सब लोग सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए हम कैसे कर सकते हैं उनकी टेक्निक सीखते हैं कौन किस तरीके से काम कर रहा है एज वी आर लर्निंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यस सर वेरी नाइस इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूजन मोल्ड्स द वैल्यूज ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन स्टूडेंट्स सी द पर्सन फर्स्ट एंड द डिसेबिलिटी सेकेंड स्टूडेंट्स लर्न एम्पैथी and to value diversity very good provides opportunities for friendship the development of friendship require close proximity and a common experience keeping children together encourages both objectives can you explain bahut acche point likhe hain aapne dono remain on the last slide yes sir सर मतलब इसमें इस पॉइंट में बताया गया है सर कि स्टूडेंट पहले एक दूसरे को देखते हैं मतलब डिसेबिलिटी को भूल जाते हैं वो डिसेबिलिटी नहीं देखते उनके एक दूसरे के प्रति एम्पैथी वगैरह रहती है वो एक दूसरे की मतलब व्हेन वी आर एबल टू डेवलप दैट इंक्लूजन व्हेन वी गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज पीपल और द नॉर्मल पीपल ग्रेजुअली व्हाट हैपेंस दे फॉरगेट दैट डिसेबिलिटी दे बिकम वन and they look as a empathy not sympathy but as a empathy right and yes, to value diversity to wo value karne lagne kiski ek matata anek matata ki diversity ki right anek matata jo hai na very nice sir ha sir what is proximity proximity means understanding how better you understand the others how better you basically bonded with each other right you understand me I understand you so likewise proximity where the same interest
same thinking that develops the closeness, that is proximity. ठीक है? Yes. Students develop a comfortable way to interact with disability. Children with disabilities attend the same school as their neighborhood friends. Very good. Prepare individuals for adult life in community. Today, classmates are tomorrow's employers. Community life is not divided into typical community and special ed. Community maintains a typical family structure to life. Siblings can be educated together at the same school. Parents are not stretched between two or more settings. Absolutely. Can you elaborate a little bit more? सर इसमें इस स्लाइड में ये बताया गया है कि स्टूडेंट जब एक साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो इजीली कंफर्टेबल रहते हैं, चाहे वो डिसेबल हो या ना हो, वो एक साथ रहते हैं और सारी जितनी भी एक्टिविटीज रहती हैं उसको साथ में कैन बी स्पीक लिटिल इन इंग्लिश. यस सर. वेरी गुड. दे कोऑपरेट विद ईच अदर वेदर दे आर सिबलिंग्स और फ्रेंड्स एंड दे अंडरस्टैंड ईच अदर. And in next point, it is mentioned that they are not only classmates, but in future they become employers. Good. And this maintains a family structure to their life. Very nice. Go ahead. Cultivates an enriched learning environment. Additional resources, therapist, special educator, etc. In the classroom, benefit all children teaching. Diversified teaching strategies and the common use of modification and adaptations benefit all children. Children with disabilities learn from typically developing peers who can act as role models, making them more likely to develop appropriate social and communication skills. Very nice. Now cultivates and in enriched learning environment. When normal pupil and the challenged pupil studied in one classroom, one school, now what happens? The teacher has to innovate their ideas. They have to modify their methods. They have to modify their lesson plan. They have to modify the equipments. They have to modify the activities. And when we try to modify this diversified teaching strategies, what happens? Not only the challenged person or challenged children get learning, but at the same time it's also benefit to the normal children. So that inclusion basically develops whole class as a unit, right? Yes sir. Thank you. Very good. Ek bar taali baja dijiye sare log vomit ke liye. Very good. All right. Next, who next? अब वेदांशि समझ में आ गया तुझे? Yes, वेदांशि. Yes, sir. Sir, is it visible? Yes. Vedansi Sharma is presenting. Very good. Om Shri Sai Ram. Today I am going to explain the role of the physical education teacher. Role of the PE teacher. Physical education teacher, commonly known as physical training instructor, that is PTI. Or PE teachers are responsible for the education of the primary and secondary school students in the physical activities and psychomotor learning. The psychomotor learning here means to the relationship between the cognitive functions and physical movements. The physical education class was once little more than an organized recess. However, physical education teachers now engage students in much more the games play. The physical education class was once little more than an organized recess. However,
Physical education teachers now engage students in much more than gameplay. Recent developments have steered the physical education curriculum towards the goal of overall wellness, and teachers now incorporate health and nutrition topics into their classes. What we do to teachers? Generally, physical education teachers instruct students in a variety of physical activities relevant to curriculum requirements. While teachers are typically allowed to create their own course syllabi, those outlines must adhere to school guidelines as well as the curriculum standards set out by governing bodies in the state, region, and country. Involvement of school. When planning course outlines, physical education teachers include sports games and physical fitness techniques. A growing number of institutions will also require teachers to include classroom instruction on general physical health and well-being, as well as proper nutrition practices. Course content varies by age group. The final action of the PE teacher. After creating a lesson plan, physical education teacher's responsibility is to motivate students to participate in pre-subscribed activities. Teachers then evaluate students' performance, attitude, and level of physical fitness. These factors affect the student's grade, with attitude traditionally having a much greater weight than inherent physical ability. Teacher must be able to effectively evaluate these attributes in order to fairly grade their students. In addition to daily or weekly grades, students are evaluated periodic tests that give teachers a better picture of the students' overall health and level of athletic skill. Thank you. Okay, now Vedansi, mujhe bata tera topic kya tha? संभव Next turn is yours. Yes, sir. Sambhav has got this, right? No problem. Let's see how they present differently. Sambhav, your turn. Yes, sir. Faiza, get ready. Yes, sir. Ready. Yeah, it's visible. Sambhav Jain is visible, but no screen. But screen नहीं दिख रहा है बेटा अभी. आपने screen present नहीं किया अभी. Hello. Yes, Sambhav, go on. Sambhav Jain is presenting his screen, but his screen pe keval Sambhav ka photo aa raha hai. PPT open nahi kiya hai, shayad aapne PPT open karo. Sambhav, abhi Faiza ko turn dete hain, aap apna correction kar lo, fir apan wapas dobara mauka denge. Theek hai, aap bahar aa jao abhi. Yes, Faiza. Yes, sir. Sambhav ko bahar aane do pehle. Stop projecting, Sambhav. Yes, Faiza. Present your screen. Sir, is it visible? Yes. इसको ऐसे घुमा लो, वो अंदर रोटेटरी डाल के
Om Shri Sairam, I'm Faiza Khan. Today I'm gonna tell you some. Faiza beta, इसको रोटेटरी अंदर जाके रोटेशन पे डालते ना स्क्रीन को बड़ा करने के लिए, उस वाले उस पे जाओ, ये छोटा हो गया। देखो फैजा बेटा, देखना मैं बता रहा हूँ। हाँ, इधर रोटेशन पे डालो, ये हमने किया स्क्रीन, इसको जब करते ना इधर ये ऐसा आता है, जहां पे आपका नेट वगैरह का वो साइन बना रहता है मोबाइल डाटा का। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, नाउ इट्स ओके, स्टार्ट। So today I'm going to tell everyone about the very important topic, that is speech therapy. And as we all know that we are not that aware of this topic, so I found it really very interesting. So I hope that you all understand it very correctly. So as we heard the term speech therapy, the first thing that comes in our mind is what it is. So speech therapy is the assessment and treatment of communication problems and speech disorders. Lots of people that are suffering from this, but they are not aware that what it is exactly. So the speech therapy is something that helps that people to communicate problems and speech disorders. It is performed by speech language pathologists, which one often refer to as speech therapists. Very nice. The person which deals with these problems is called a speech therapist. Speech therapy techniques are used to improve communication. Like, as we all know how important communication is, so speech therapy is something that used to improve the communication of a person. These include language disorders, language intervention activities, etc. This may be for speech disorder that developed in childhood or speech impairments. Now, it's a very important thing that many of the people think that speech therapy is only for the children's. But no, that's not true. There are many adults that are suffering from these disorders. So speech therapy is also for the adults that are, these disorders can be caused in adults by some injury or illness, like brain disorders, that they have an accident or anything like that. Now, why do you need speech therapy? Yeah, I have told you the importance of speech therapy and what is, but what is the need of this? There are several speech and language disorders that can be treated with speech therapy. Speech therapy can help with so many more skills presenting to communication, both oral, written, and specialized therapy. It can assist with the relationship building, brain development, interaction with others. In nowadays, the interaction and the communication of a person is really matters a lot. And now, if a person or a child is not able to communicate properly or interact with others, so that's a very, very serious problem. So speech therapy is something that can help a person to develop the communication thing and the interaction with others. Now, what are the benefits and uses? As we have seen, what is it, the speech therapy, and how it is used? Now, I would like to tell you what are the benefits and its uses. Speech therapy improves the social skills. Like I have told you before, and as sir also told, how important a person's socializing is. So it improves the social skills. It improves communication, improves cognitive development, and develop reading and writing abilities. Now, I would like to conclude my presentation by saying that speech language pathologist understands what a person does not say. So at last, I just want to tell everyone that please take these all things very seriously, and I wish that every one of you send the awareness about the speech therapy. And if you see it on the Google, you can search. There are lots of people who are giving this for free. They are providing this service for free, so you can contact them. Thank you, Insairam. Excellent. Bahut badhiya. Aisa, excellent. Thank you, sir. Very good, beta. Samba beta, are you ready? Yes. तेरे यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम लग रही है मुझे. आवाज कट के आ रही है. चलो, स्क्रीन इज योर्स. स्टार्ट. यस सर. शाबाश.
अरे माइक को बंद मत करो, माइक को बंद नहीं करो नहीं तो आवाज नहीं आएगी आपकी। माइक म्यूट नहीं करो बेटा, अनम्यूट करो माइक। यस सर, यस यस, फिर बंद कर दिया उसने, आवाज ही नहीं आएगी। सर इज इट विजिबल? या बट ऐसी फैजा की जैसी आपको भी वो अंदर जाके ना रोटेटरी डालना पड़ेगा, वो रोटेट करने वाला स्क्रीन करना पड़ेगा, उसको हॉरिजॉन्टल कर लो वर्टिकल की जगह। विजिबल? यस यस विजिबल, प्रेजेंटेशन इज नॉट विजिबल, स्क्रीन इज विजिबल। प्रेजेंटेशन दिखाओ, प्रेजेंटेशन दिखाओ अपना, ये तो हम लोग दिख रहे हैं अभी, आपका प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, प्रेजेंट स्क्रीन दिख रही है आपकी। हाँ तो विंडो पे जाओ ना उस वाली पे, ये जो बीच में गोल गोल ये दिख रहा है ना निशान आपके मोबाइल का, उसको टच करो। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार फिर ट्राई करो। वेरी गुड, आपने मुझे टैग कर दिया संभव। अब अपने प्रेजेंटेशन पे जाओ बेटा, आप यहीं से अपने प्रेजेंटेशन की फाइल निकालो। हाँ इस ओपनिंग 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 खुल रहा है, नेट की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे खुल रहा है। क्या कमांड आ गया भाई इसका? आपने सेव करके रखा हो? नहीं दिख रहा बेटा, आपने सेव किया था? चलो एक बार ना मैं भी ना मोबाइल से प्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा आपको, और अगली वाली क्लास में मोबाइल से कैसे प्रेजेंट करते हैं उसकी सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही प्रेजेंट किया है? हाँ मुझे मालूम है, मैं देख लेता हूँ। कोई बात नहीं संभव बेटे, डोंट बी डिसहार्टन, ठीक है? हाँ आपको हम अगली वाली क्लास में मौका दे देंगे, जब तक आप प्रैक्टिस कर लेना भौमिक के साथ में मोबाइल टू मोबाइल। ऑल राइट, डोंट बी डिसहार्टन, डोंट बी डिसहार्टन। ओके मैं क्या करूंगा, कल आपके सबके अगले चैप्टर के असाइनमेंट लेके आऊंगा, सबको व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, ठीक है? और डाल के अगले के लिए तैयारी करना है। ऑल राइट, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे लोग, यही तरीका मुझे बेहतर लग रहा है, जिससे कि कम से कम हम लोग सारे इन्वॉल्व रहेंगे इसमें। प्रेजेंट 2 to 3 स्लाइड्स, ट्राई टू एक्सप्लेन एज मच एज यू कैन, ट्राई टू इलेबोरेट द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, लाइक जो भी स्पेसिफिक वर्ड आता है ट्राई टू इलेबोरेट दैट, सो दैट द कॉन्सेप्ट of the total paragraph can be made clear to each and everyone. All right? For example, I have asked about the potential. Then Rumisha asked about what? Proximity. So this word has to be explained properly. What happens sometimes we read just like that, but we are not able to know the meaning. If we know the meaning, the total paragraph we understood very easily. All right, so we have to remember that when we are presenting any presentation, at that time we try to make it as clear as we can make it, right? And at the same time we should also ask, like Rumisha asked, like Vaishnavi asked, so likewise you have to ask. Don't feel agitated, don't feel shy. If somebody don't know, he will refer or she will refer or I will refer, and then I will let you know. All right, ठीक है, क्लोज योर आइज, जॉइन योर हैंड्स एंड शांति पाठ। और सबको अपना ख्याल रखना है, अच्छे से रहना है, ठीक है? घर में रहना है, मम्मी पापा को परेशान नहीं करना है और खुद भी परेशान नहीं होना है। शाबाश, क्लोज योर आइज, जॉइन योर हैंड्स, स्टार्ट। ओम
Shanti, Shanti. God bless you. God bless you. Thank you, sir. Bye-bye. Take care. Thank you, sir. Be regular. Thank you, sir. Be regular. Be regular. Be regular. Sir, आपने वो मेरा WhatsApp number add नहीं किया है? हाँ, मैं कर दूँगा. I will do that. Okay, thank you, sir. God bless you. Sairam, sir. Sairam, God bless you.